नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो अध्यायारम, नमो लोए सवसाहुरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भये अरहंताज महान नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तत्वज्ञान के बिना उदासीनता नहीं होती, उदासीनता के बिना आत्मकल्याण संभव नहीं है, सहन नहीं होता। जो नाना प्रकार के प्रसंग ग्रस्त जीवन की अपेक्षा प्रसंग कह देते हैं, मुनि धर्म की अपेक्षा से परिचय और उपसर्ग कह दे, जो सहन नहीं होते, इसमें भी किसी कर्म का दोष नहीं है, शरीर का दोष नहीं। क्या करें, संगनन कमजोर है, सर्दी सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती, भूख प्यास सहन नहीं होती, क्या करें, वो शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर, संगनन कमजोर है, वो भी एक कारण है, लेकिन शरीर का दोष नहीं है। क्या करें, तीव्र हृदय है, वो सहन नहीं होती, तीव्र हृदय है, उदय का दोष नहीं है, निमित्त वो भी है। आपको बताया था सुकुमार का, क्या संगनन थोड़ी बदल गया था, संगनन तो वही था, दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, सोच बदल गया, तुम्हारी व्यवहारिक भाषा में बोले तो। बाद में कि संगनन तो घर में भी वही था, मुनिराज हुए तो आज के संगनन बदल गया अब यार। लेकिन ये बहिरात्मा जी केवल इन्हीं उदय विन में लगेगा, क्या करें, वो शरीर कमजोर है, संगनन कमजोर है, पंचम काल है, तीव्र हृदय है, यही सोचेगा। भैया सहन नहीं होती, उसका भी मुख्य कारण, सर्वथा कारण नहीं कह रहे, मुख्य कारण तत्व ज्ञान का अभाव है। छेडाला में पंडित दौलत राम जी ने एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, नीचे की लाइन हम बोलते हैं, ऊपर की बोलना, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे है। हाँ ठीक है, सो सब महिमा ज्ञान तनि, जो पूरब शिव गए तो शिव गए तो जिस परिणाम से गए वो परिणाम कैसे हुआ, ज्ञान पूर्वक हुआ है, ये ज्ञान की महिमा है, महिमा सम्यक ज्ञान की। चौथी डाल में लिखा है तो ज्ञान की महिमा, ज्ञान का प्रसंग। तात्पर्य ये है कि जो हमें उपसर्ग परिचय सहन नहीं होते, अब इन परिचयों की चर्चा से अपन चलते हैं, इसलिए हम पूछ रहे थे तुमसे नाम, अब हम पूछेंगे यहां तो बताना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। अभी हम इनसे पूछ रहे थे, हमने 22 परिचय के नाम सुना भैया। भूख सहन नहीं होती तो फिर थोड़ा थोड़ा बेर बेर खाओ, तो रात में क्या करो, रात को खाओ, फिर
का मतलब है, दिन में वो पानी थोड़ा थोड़ा देर बेर पीना पड़ता है, एक एक घंटे में पानी पीना पड़ता है, रात में फिर कहां से शक्ति आ जाती। विचार तो करो, हमारा त्याग है, रात्रि भोजन त्याग हमारा बहिरंग लक्षण है, हमारा जैनत्व है, भगवान की आज्ञा है, माने जो देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, उनकी नियम के प्रति आदर भाव है, उसी से तो सहन शक्ति आ जाती है। हमारा मतलब ये है, सहन नहीं होती इसलिए बाहर में उपाय करो, ये बहिरात्म लक्षण है, ये भौतिक विज्ञान है, ये झूठे उपाय हैं, ये कोई उपाय नहीं, बाहर के उपाय। हमसे सहन नहीं होती इसलिए हम हट जाते हैं, ये कोई उपाय नहीं, ये कोई उपाय नहीं, ये तो बिगड़ जाएगी तुम्हारी पर। तत्व का अभ्यास करना चाहिए, जब राग द्वेष इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं उत्पन्न होगी तब हमें आकुलता नहीं होगी, क्षोभ नहीं होगा, सहन नहीं होती इसमें हमारा ही दोष है, हमारी कथाएं बाधक हैं, हमें तीव्र कथाएं हैं इसलिए सहन नहीं होती। क्या कर रहे, सहन नहीं होती ऐसे बोल दिया सबके सामने, ये हमारी ही मान कथा है जो हमसे सहन नहीं होती, मौन लटक जाता है, क्यों, भीतर में घुटन होती है, परिणाम बिगड़ जाते। आप देखो, प्रशंसा में हर्ष भाव होता है तो निंदा में द्वेष होगा, उपवास आदि कष्ट रूप लगते हैं तो खाना पीना स्वच्छंद प्रवृत्ति अच्छी लगेगी, भीतर में उसमें रुचती है ना, प्रतिज्ञा बंधन लगता है तो अविरति अच्छी लगती है, इसका मतलब हो गया नहीं, बिना कहे समझ लेना चाहिए, टोटो मजी ने ना पी दिया, उपवास तपश्चरण आदि को क्लेश रूप ठहराता है, ये भूल बताई ना, तो क्या क्यों, तो भैया उपवास आदि तुझे अगर कष्ट रूप लगते हैं, क्लेश लगता है तो फिर खाना पीना अच्छा लगेगा, मजा आ गया, अपने चाहे जब खाओ चाहे जो खाओ, तुम घर क्यों जाना चाहते हो, घर क्यों रहना चाहते हो, घर क्यों बसाना चाहते हो, तुम घर क्यों नहीं बसाना चाहते, हमें चाहे कुछ नहीं करना है, हमें अपना हित करना है, जिन्हें चाहे कुछ करना है उनकी प्रवृत्ति अलग हो, वो उल्टा सोचेंगे, यहां तो चाहे कोई टोक देता है, यहां ऐसा नहीं होता, यहां ये खाने को नहीं मिलता, यहां ऐसा नहीं होता, अपन घर चलाओ, अपन आराम से बनाएंगे खाएंगे, चाहे कुछ काय के लिए, स्वच्छंदता, टोटरमल जी ने सीधी लिखा, स्वच्छंदपना अज्ञान दशा में ही होता है, सम्यक ज्ञान होने पर भी अविरति हो सकता है, स्वच्छंद नहीं हो सकता, अविरति सम्यक दृष्टि भी स्वच्छंद नहीं होता, क्यों, इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं मानता ना, उसे इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं लगेगा, इसलिए जैसे तैसे एन के इन प्रकार वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति क्यों करना चाहेगा। अब हम यहां ये कह रहे हैं इस प्रसंग से, जो प्रसंग चल रहा स्वाध्याय में, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो फिर उदासीन परिणाम हो, उससे परिचय अधिक सहन करने की शक्ति आती है, तब स्वयमेव मनी होना चाहता है, यही तो स्वाध्याय की पंक्ति है। अब हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें जिस प्रसंग में सहन नहीं होता है, सच्चा तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, सच्चा अभ्यास करो, देखो सहन होता है, थोड़ी देर बाद सहन होने लगे, क्या करें, भूख सहन नहीं होती, ठीक है, अरे तत्व ज्ञान की आत्मानुभूति की तो अलौकिक बात है, जो अपने आत्मानुभव के रस में तृप्त हैं उन्हें तो भूख सताती ही नहीं है, विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, सिद्ध भगवान अनंत काल तक अपने स्वरूप में रहते हैं तो अनंत काल तक भूख नहीं लगती, बोलो, अनंत भगवान सदा काल तक रहते कभी भूख नहीं लगती,
मुनराज प्रचुर स्वसंवेदन में रहते हैं तो कितनी भूख, कैसी भूख, बोलो कितने कम विकल्प होता ही है? अब विचार ना, भूख सहन नहीं होती, क्या करें? देखो भाई, हमको टाइम पे मिल जाना चाहिए, हमसे सहन नहीं होती फिर। अरे तुम्हारी बपौती थोड़ा ही है, टाइम पे मिल जाना चाहिए। तुमने पूजा टाइम पे करते नहीं कि कोई चिंता नहीं, हो जाएगी चाहे जब हो जाएगी, 10 मिनट लेट हो गई तो क्या बात है, तो भोजन में 10 मिनट लेट हो जाए तो क्या परेशानी है, अब क्यों दिक्कत होगी? स्वाध्याय में अपने 10 मिनट लेट पहुंच गए। जिस लापरवाही से तुम पूजा स्वाध्याय दानशील संयम करते हो, उसी लापरवाही से तुम्हें उन पुण्य के उदय वाले भोग मिलेंगे। मैं क्या बात, लेट आओगे तो रोटी लेट मिलेगी। जब तुम स्वाध्याय में लेट आते हो, पूजा में लेट आते हो, हर काम में लेट होते हो, 2 मिनट लेट, 2 मिनट लेट, जल्दी क्यों नहीं? हम कह रहे ऐसी आदत है, 8:15 पे रखो तो 8:20 पे आएंगे, और 8 पे रखो तो 8:05 पे आएंगे। अब 8:05 पे कैसे आ गए? एक आदत पड़ गई है कि हम जब स्वाध्याय का टाइम है तब उसके बाद घर से चलेंगे। ये घर से चलने का टाइम नहीं है, ये यहां आ जाने का टाइम है। लेकिन एक दिमाग सेट हो जाता है, 9 बजे रखो भैया कल से, तो भी 9:10 पे आएंगे, रख लो 9 बजे, भी 9:10 पे आएंगे। तुम 5 मिनट बढ़ाओगे भी 10 मिनट बढ़ा लेंगे। भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं पोल निकाल ही देता है। हम ये कह रहे हैं कि और कोई टाइम पर काम नहीं करते। एक भाई पढ़ रहे थे, एक पाठ पढ़ रहे थे, हो बे बरसा समय पर तिल भर रहे व्याधियों का देखा। तो हमने कहा तुम बरसा तो समय पर चाहते हो और पूजा समय पर नहीं करते, स्वाध्याय समय पर नहीं करते हैं, किसी दुखी की दया समय पर नहीं करते। का बरसा जब कृषि सुखाने, पीछे से तुम चार बोरा की तेरही करो। अरे जब उसे, जब पिताजी हैं तब टाइम पे रोटी दे ले, सेवा कर ले तो बात ठीक है, पीछे तुम चार बोरा की तेरही करो, 5000 आदमी और 5000 आदमी ने खवाई देता है, होने का है। समय पर एक लोट, एक गिलास पानी की कीमत है, एक घूंट पानी की कीमत है, बाद में एक बाल्टी और एक ड्रम की क्या कीमत है? समय की अवहेलना करना यह भी अनुशासनहीनता का पहला लक्षण है। समय की अवहेलना यह अनुशासनहीनता का पहला लक्षण है। अनुशासन पालन का पहली बात कही थी, पहला नंबर क्या है? है समय पर कार्य करना। दूसरा, यथा स्थान व्यवस्थित वस्तु को उठाना, जहां से उठाना वहीं रखना, जैसे रखना, और कहीं से भी उठाई हो जहां रखने का स्थान है वहीं रखना, व्यवस्थित रखना, चाहे अपने कपड़े हो, चाहे अपना सामान हो, चाहे अपनी कोई भी सामग्री हो। ये तो बहिरंग की बात है, भीतर में अपनी परिणति को अपने में व्यवस्थित रखना आत्मानुशासन है। जीवानी जिस घाट से पानी लिया है उसी घाट पर उसी स्थान पर पहुंचाना, एक क्रिया है कि नहीं प्रणालियों की? ऐसे ही ज्ञान की ज्ञान कहां की परिणति है? आत्मा की, आत्मा में रखना, व्यवस्थित रखना। अनुशासनहीनता है ये, वो क्या करें, लेट हो जाते हैं। टाइम जल्दी है इसलिए लेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं तुम चाहे कोई टाइम रख लो, लेट वाले लेट ही जाएंगे और टाइम वाले टाइम पे आ ही जाएंगे चाहे कोई टाइम रख लो। ये उनकी साइकोलॉजी का अंतर है, साइकोलॉजी है। एक उपेक्षा बुद्धि है, बाद बाकी टाइम वाइम कुछ नहीं होता, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। समय पर निवृत्ति नहीं ले रहे आप, समय पर समय रहते निवृत्ति ले लेना चाहिए, फिर क्या करोगे?
अव आग आए जब झोपड़ी जरन लागे, कुआ के खुदाई फिर कौन काय सरे। विचार करो, अहो आग आए जब झोपड़ी जरन लागे, अब कुआ खुदा, जब मरण समय हो जा आ जाए तब तुम नमोकार मन सुना दी हमारी समाधि कराई हो। हमने कहा समाधि कोई कराता नहीं, स्वयं समाधि करोगे तो तुम्हारी समाधि में न जाने कौन निमित्त होंगे, कौन नहीं साधर्मी निमित्त होंगे, धर्मात्मा निमित्त होंगे, और तुम्हें स्वयं ही समाधि नहीं करनी है, तुम अपना परिणाम बिगाड़ रहे हो, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है, तुम्हें खुद ही अपने कल्याण की चिंता नहीं है, तो तुम्हारी समाधि कौन करा सकता है। बस वो गलती हो गई, ये मत करो, ओवर बुद्धि मत लगाओ किसी भी प्रसंग में, ओवर काम मत करो, ओवर बोलो मत, ओवर सोचो मत, नॉन अजज वाय बी वाय। इतनी तो अंग्रेजी आती होगी, क्यों भाई उसके बाकी बोलना दो तीन बी वाय। हाँ नॉन हाँ अदरवाइज ओवरवाइज अंडरवाइज ओवर अदरवाइज ये सब बेकार की व्यवस्था है। ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, डेढ़ अकल किसी में नहीं है, ये अभिमान की बातें हैं। डेढ़ अकल किसी में नहीं है, एक एक का अकल ही है सब। डेढ़ आ कहां से गई, आदि कहां से लाई, ये बता। हर तुम समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, फिर हम आपसे कह रहे हैं अगर आपको अपना कल्याण करना है तो साफ रहने की कोशिश करो, सफाई देने की कोशिश मत करो, कुतर्क करके अपना पोषण मत करो, कतई मत करो। और ये अंग्रेजी की बातें नहीं है, ये शास्त्र की बात हम सुना दें। अन्योन मनत रिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता, अंग्रेजी वालों ने कहां से लाए है ये फिल्मी गाने वाले। फिल्मी हमने तो एक बार कहा था, हमने फिल्मी वाले हैं, ये तर्ज तो हमारी है, फिल्मी वालों को गाना नहीं आया सो वो बीच में जोड़ दिया। सच्ची बात है ये, उनकी तर्ज पर हमने के हमारी तर्ज पर भिन्न लगी। अब उनको वो संगीत साहित्य संगीत नहीं आता तो बीच में ओ करके लंबा ऊंचा करके जोड़ जा के कर लेते। अब इनने कहा शास्त्री तो देखा नहीं, तो उनके लिए वो ही उनके लिए आदर्श हो गए, और उनकी नकल पे इन्हें तो खराब कर दिया। हमने अपनी लय उनकी नकल करके फालतू खराब करी है, उनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास है जो। ऐसी उत्तम वस्तु कुछ भी नहीं है जो जिनवाणी में ना हो। एक मरीज बुखार आ रहा है, पेट खराब है, बुद्धि खराब, डॉक्टर ने कहा लंगन कराओ इसको। महाराज कमजोर तब ऐसा ही है, और कमजोर कर रहे। अरे रे कमजोर, शरीर के मोटापे की चिंता है, याद रखना ज्यादा खाने से कभी कोई मोटा नहीं होता, ज्यादा खाने से कभी कोई स्वस्थ नहीं होता। पूछ लेना किसी भी डॉक्टर से, जितना पचता है उतना ही शक्ति आएगी, उतनी ही वो सही है, और जितना पाचन नहीं है उससे ज्यादा करोगे संग्रहणी हो जाएगी, अजीर्ण हो जाएगा, सड़ेगा, अल्सर हो जाएंगे, आंतें खराब होंगी, कमजोर आएगा। कमजोरी की चिंता मत करो, पहले रोग मिटाने का उपाय करो। उल्टी मान्यताएं इतनी भीतर बैठी हैं, कम से कम हिंदुस्तान में 70% लोगों की मान्यता तो यही है कि ज्यादा खाओ तो ज्यादा मोटे होंगे, ज्यादा खाने की ज्यादा खिलाने की आने क्यों आदत पड़ी है बीमारी। डॉक्टर कह दे कुछ नहीं तो साहब कछू तो दे, कछू तो, अरे दवाई दे तो रे, भगवान को नाम ले सवेरी थे, आज कछु नहीं लाओ, भगवान का नाम उसको तो गिनते ही नहीं है, ये तो कोरी बातें लगती हैं, ऐसे लगता है जैसे कछु है ही नहीं। भीतर की मान्यता तो वही पड़ी है देह जीव को, जिस जिस प्रकार एक मानता है, टोटो मन भी कह रहे।
आज की डेट में भी शरीर की और शरीर की रोग की जितनी भीतर में चिंता है उतनी आत्महित की चिंता नहीं है। आज भी तबीयत बहुत खराब हो गई, परिणाम खराब हो गए कि अच्छे हो गए उनकी चिंता कहां पड़ गया। देह बुद्धि तो ये जो परिचय सहन नहीं होते, मुख्य कारण है तत्व ज्ञान का अभाव, मुख्य कारण। और उत्तर कारण तत्व ज्ञान होने के बाद भी तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं होना, भावना नहीं। भाई होने मात्र भी काम नहीं चलता, बारंबार उसकी विचार भावना चलना चाहिए। और सो भी तब तक चले जब तक वो कार्य सिद्धि न हो जाए। भावेद वेद विज्ञानम मिदमच्छिन्न धारया तावत यावत परात चित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, जब तक ज्ञान ज्ञान में लीन न हो जाए। तो ये तत्व ज्ञान का सच्चा तत्व ज्ञान, और नहीं तो तुम्हारा ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है, झूठा तत्व ज्ञान है। सोच के नहीं होता ज्ञान, ध्यान रखना। ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन ध्यान रखना सुख के बिना ज्ञान नहीं रहता। उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते जिस ज्ञान के साथ आनंद ना हो, सुख ना हो। जो ज्ञान स्वयं की समस्याओं का समाधान न कर सके, स्वयं का चित्त शांत न कर सके, भीतर भीतर खुलोला क्षुब्ध करे, आक्रोश उत्पन्न करे, उस ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। उसे ही ज्ञान कहेंगे तो अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। हम ये कहते हैं भूख सहन नहीं होती, आप थोड़ी देर गुरुवाणी का स्वाध्याय करने बैठ जाओ। केवल पाठ नहीं, जोर से बोलने की बात नहीं है, गाने की बात नहीं है, बस देखो आपको थोड़ी देर बाद यही पता नहीं पड़ेगा कितनी देर हो गई। अरे जिनवाणी के पठन पाठन और अभ्यास का तो लौकिक दृष्टांत इतने हैं, पूरे फोड़े का ऑपरेशन हो गया बिना बेहोश किए। और एक तो गणितज्ञ का हो गया, तत्व ज्ञान की बात तो बहुत दूर, गणितज्ञ था, गणित का विशेषज्ञ ने कहा प्रश्न दे दो हमको, कितने में आप तो ये बताओ, बेहोश करने की जरूरत नहीं, कितने टाइम का आपका ऑपरेशन है? 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, उसने एक अपनी समस्या लगा लग गया, डॉक्टर को कहना पड़ा ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर को कहना पड़ा। बिना नमक का हमको नहीं खाता, टीका में उपयोग लगा, टूटामल जी का दृष्टांत है, पता नहीं पड़ा, मां को पूछना पड़ा, आज तेरी टीका पूरी हो गई, मां को पूछना पड़ा। हमसे सहन नहीं होता, हमसे खाता नहीं, हमसे देखा नहीं जाता, हमसे चुभ नहीं रहा यार। बुद्धि ज्यादा क्यों चलाते हो? अन्योन मन अतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना से विपरीता, अदरवाइज नहीं, ओवरवाइज नहीं, अंडरवाइज नहीं, बी वाइज, बुद्धिमान बनो। और ये मूर्ख का लक्षण है, अदरवाइज ओवरवाइज। कई लोग कई बार हे तुम क्या समझो, हम इतने मूर्ख नहीं है, हम बिल्कुल समझते ज्यादा मूर्ख हो, हाँ बिल्कुल ज्यादा मूर्ख हो, ये समझ लो पागल खाने में नहीं तो चले जाओ। वो पागल कहेगा क्यों, पागल को ले जाओ डॉक्टर के पास, अगर कोई पागल तुम्हारी अड़ोस पड़ोस में चलो डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर कहेगा क्यों, क्या बात है? कछु नहीं साहब, हमें तो जी पागल बनाए फिरते, हमें कोई बात नहीं, हमें खूब भूख लगा थी, बस बिल्कुल पागल का लक्षण। पागल को ज्यादा भूख लगती और वो ज्यादा जल्दी जल्दी कड़क कड़क खाएगा खूब, ये पागल का लक्षण ही है बिल्कुल। हमें तो खूब नींद आ रही, हाँ बिल्कुल पागल का लक्षण है, हमें चाय क्यों बैठा दे, हमें कोई मतलब नहीं, बिल्कुल पागल का लक्षण। मतलब पागल ने कब स्वीकार किया है हमें, हमारा पागलपन है।
अगर ये स्वीकार कर ले हमारा ये पागलपन है, बस समझ लो अब पागलपन का इलाज होने लगा, अब ठीक होने लक्षण आ गया। स्वप्न स्वप्न जैसा लगने लगा, समझ लो जग गया। जब तक सो रहा है उसे स्वप्न स्वप्न लगेगा ही नहीं, सच्चा लगेगा। और नहीं तो चीखता क्यों है, हंसता क्यों है, बोलो? स्वप्न में चीखता क्यों है, भगता क्यों है, हटता क्यों, रोते रोने क्यों लगता है? कोई भयानक सपना देख करके झूठा अगर लगे तो क्यों रोएगा? ये नींद का लक्षण है, ये निद्रा का लक्षण है क्या? स्वप्न स्वप्न जैसा लगता नहीं, स्वप्न सच्चा लगता है, पर अपना लगता है, यही तो मोह का लक्षण है। पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट लगते, यही तो मोह का लक्षण है, अज्ञान का लक्षण है। और क्या मोह होता है? अच्छा ये मोह नहीं तो तुम बताओ मोह क्या है? अगर ये मोह नहीं है तो ये बता, तुम बता दो मोह क्या है? समझने की जिज्ञासा होना ये विनय है, समझाने की भाव होना ये मान है। और नहीं तो तुम बता दो लक्षण क्या, हम तुम्हें समझा, तुम हमें ही समझाने लगो, ये मान कैसा है? और समझने की, हाँ क्या कह रही है, समझने की चेष्टा करो, इनका अभिप्राय क्या है, क्या छोटा हो या बड़ा हो, बस अब समझ लो ये विनय। और नहीं तो तुम बता ना इस लक्षण, तुमने क्या पढ़ा है, क्या सुना है भैया, तुम बता दो, न्याय की कसौटी पर सिद्ध करना पड़ेगा आपको। हमारे आचार्यों ने तो लक्षण का भी लक्षण कहा है, निर्दोष लक्षण, सदोष लक्षण या लक्षणावास, व्यवहार व्यवहारावास, निश्चय निश्चयावास, उभयावास, ये आवास भी तो लिखे ना, तो ज्ञान और ज्ञानावास नहीं होगा, चारित्र और चरित्रावास नहीं होगा, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शनावास नहीं होगा। लगने लगा तुम्हें सम्यक दर्शन जैसा, सम्यक दर्शन जैसी पूरी नांग ही न मलम छेद, तुम सभी पाठ हम देख रहे थे, तुमने कहा मलम क्या मतलब, नांग ही न मलम छेद तुम दर्शनम जन संत तुम है, क्यों क्या मतलब? वास्तव में जन्म दुख को दूर नहीं करता। अब आप समझ लो जिससे दुख दूर ना हो वो ज्ञान कैसा और तुम्हारी श्रद्धा कैसी और चारित्र कैसा। चारित्र मोह के उदय में सुनो रागादिक होते हैं उतना दुख होता है, लेकिन एक लक्षण हम आपको बता देते हैं कि चारित्र मोह और दर्शन मोह का अंतर टिकता नहीं है वो। अगर दर्शन मोह नहीं है तो टिकेगा नहीं वो। दूसरी बात, वो दुख होने पर किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगा, उसकी ये भाषा नहीं होगी, ये चिंतन नहीं होगा, तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें, हे भगवान बताओ क्या करें, मर जाए का कहां जाए, कोई सुनते है नहीं, कोई मानते है नहीं, क्या करें? हो रे प्रभु ये भाषा नहीं होगी, ये मिथ्या दर्शन, ये दर्शन का दोष है, ये दृष्टि का दोष है, दर्शन मोह है, ये चार तो मोह नहीं हो सकता। अरे भाई समय, अगर डॉक्टर को कोई रोग हो जाए तो उसके पास फलानी दवाई ले आओ, अब क्या करें, कौन सी दवाई लें, कौन को देखा, ये डॉक्टर का लक्षण तो नहीं होगा। चौराहे पर खड़ा हुआ ये कहे तो कितने जाएं, कौन सी रास्ता जाएं, क्या करें, और कहे हमको तो रास्ता आता है, हमें मालूम है मालूम है, ए उधर मत मुड़ जाना, सीधे उधर से निकलना, तीसरी मोड़ पर मुड़ना, हाँ हाँ हमें मालूम मालूम मालूम, और फिर वहां खड़ा हो गया, अब क्या करें? हमने कहा ना हमारे जीवन के किसी भी प्रसंग पर हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, क्या करें,
यह हमारे स्वाध्याय की निरर्थकता को सिद्ध करता है, क्योंकि जिनवाणी में हर प्रसंग में क्या करें का उत्तर है। 22 परीक्षाओं को जीतने के लिए कोई अलग उपाय नहीं है, 22 उपाय की जरूरत नहीं है। उसका प्रमाण है, उनको भूख नहीं सताती। बाबा जी कभी कभी बैठे बैठे अकेले में और लाइट वाइट भी नहीं है, कोई आया भी नहीं, और बैठे और ऐसे घोंट बजा रहे, ज्ञान आनंद में तृप्त रहे फिर कैसे भूख सतावे, ज्ञान आनंद में तृप्त रहे फिर कैसे प्यास सतावे। मस्ती बैठे, कोई आएगा तो पता पड़ी, बाबा जी चलो तो कु शिकायत हमने करते नहीं देखा, अब आयो। तब से अंधेरा पड़ा तब तक कोई नहीं आओ, जैसे हम कभी कभी कह देते ना, विचार करो कभी हमने कहते हुए नहीं देखा बाबा जी, उड़ो बाबा जी चलो, गाड़ी वाड़ी को है नहीं, क्या बजे आए क्या टाइम, चलो बाबा जी आओ चलो, अब हम डंडा उठा चल रहे स्वाध्याय कर आए, और नहीं है तो भाई बैठे, अंधेरो है तो अंधेरो है, ओझेलो है तो ओझेलो। बगल में अलमारी है, नींद आएगी तो अपने किताब कापी मम दद दी और ऐसे सो जाए, फिर उठे और फिर अपने लेकर अपने फिर पढ़ जाए, रात में चार दबे उठे चार दबे सो जाए चार दबे पढ़ने लगी फिर सो जाए। अरे जब नींद की जरूरत है तब सो जा, नहीं जरूरत है तो कागज सो जा। बाबा जी घड़ी रख, घड़ी तो भी रखे ना टाइम टेबल से कुछ काम करने, हमारा तो एक ही टाइम टेबल है 24 घंटे आराधना के लिए है, बीच में जो कुछ काम हो जाए सो हो जाए उपाधि। हम ये कहते हैं साधारण भूमिका में भी ये दशा होती है, मुनिराजों की गात तो अलग, मुनिराजों का वैराग्य तो क्या कहें, मुनिराजों का वैराग्य तो मुनिराजों जैसा है। जिसको देख करके आप दंग रह जाते हो नाटक के उस दृश्य को, ध्यान रखना वो नाटक वाला तुम चीख क्या कितने चिल्लाते रहो, पूरी तैयारी के बिना पर्दा नहीं खोलेगा, चिल्लाते रहो चिल्लाने वो हल्ला करते रहो, इतनी देर हो गई हम तो जा रहे थे चले जाओ, लेकिन वो पूरी तैयारी के बिना पर्दा नहीं खोलता, क्यों, उसे नाटक का बड़ा सुंदर प्रस्तुत करना, जिन धर्म की प्रभावना और अपना हित करना है। इसलिए प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान अभ्यास लगाता, वैसे ही तुमसे थोड़ी कह देते हमें ब्रह्मचर्य लेना है, खूब अभ्यास करो पहले खींच के, नहीं तो ऐसे तन जाओगे, ब्याह नहीं करो सो ब्रह्मचर्य हो, खेल खिलौना नहीं है बेटा। जो मणि धर्म लेने का क्रम है तो तुम मुनिराजों की आलोचना करने के लिए ये प्रसंग मत पढ़ना, ब्रह्मचर्य लेने का भी यही क्रम है, सुन लो कान लगा लो, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो फिर उदासीन परिणाम हो, परीक्षा अधिक सहन करने की शक्ति हो, तब है तुम्हारी उम्र पर एक महाराज की मिली एक नगर में, बोले पंडित जी कह तो घरे रहो और क्या मुनि हो जाओ, ये बीच की बात अच्छी नहीं है लंबा दो। तो हमने भी कुछ नहीं कहा, समझ में नहीं, ठीक है विचारेंगे महाराज, लेकिन आज कभी समझ में आती है बात कि बिना कसाए घड़े निकल पड़े, अब घड़े ऐसी सुविधाओं के लिए आकुल व्याकुल हो रहे, यहाँ जी व्यवस्था नहीं, यहाँ जी व्यवस्था नहीं, ये ऐसी क्या करते, ऐसा होता है वो होता, घर ही मेरा और फिर व्यवस्था ही, फिर धर्म की अप्रभावना कराता है, अपना अहित करता है, पाप का बंद करता है, जिन शासन का उपास कर,
कहने वाले का ये नहीं है कि बीच का मार्ग नहीं है। अरे सामान्य गृहस्थ और मन के बीच में 11 प्रतिमाओं की दशा है, कैसी बातें सोचते हो। और भावदीपिका में तो जगन्य पात्र के भी उत्तम मध्यम जगन्य तीन भेद लिखे लिखेंगे नहीं। जगन्य अविरति और उदासीन श्रावक जैसे अपन लोग, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, घर नहीं, ब्याह नहीं, शादी नहीं, देना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, व्यवहार नहीं है, और प्रतिमा भी नहीं, नियम भी नहीं, अभी और घरों नहीं रह रहे। विचार करो जगन्य में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में भी जगन्य आदि के भेद लिखे। जिनागम बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बिना नए चक्र के समझे हुए, बिना प्रयोजन और बिना विविक्षा को समझे हुए कुछ भी नहीं हो सकता। जो पढ़ोगे सो थोड़ा सा अभिमान आ जाएगा और लगने लगेगा हम कछु हैं, हम कछु कर रहे हैं, और केवल दूसरों के ऊपर निगाह रहेगी, इनको समझा दो, इनको समझा, जे तुम पढ़ो, अरे तुम ही तो पढ़ लियो, ये तुम दे लियो, ये तुम ऐसे करो, तुम ऐसे खाओ, तुम ऐसे बोलो। हमने सवेरे वैसे ही थोड़ी कहा, दोपहर में वहां भी तो कहा था, भैया धूल में खेलते हुए बालक को तो टोंकते हो और परिक्रह में रमते हुए तुम अपने चित्त को नहीं टोंकते, धिक्कार है तुम्हारी पर। तुमने अपने को सबसे सुपर पहुंचो, सुनो, जैसे तुम धूल में खेलते हुए अपने बालक को टोंकते हो, ऐसे तुम्हारे आचार्य भगवान धर्म पिता तुम्हें परिक्रह में रमते हुए टोंकते हैं। सुनो बेटे, परिणति गंदी होगी। हे वत्स, हे पुत्र, ऐसे शब्द का संबोधन है कि नहीं, बोलो। जैसे माता पिता बालक का पोषण करते हैं, ऐसे शिष्यों का पोषण करते हैं। पोषण शब्द लिखा है प्रवचन सारी में, शिष्यों का ग्रहण, पोषण, पोषण शब्द लिखा है। तो काय का पोषण, शरीर का पोषण करते हैं, जे खा ले वे खा ले, अब जे अभी खाए पीवे की उम्र है, अरे अभी खावे पीवे की उम्र है, और अभी तो इंद्रियन को जीतवे की उम्र तो अभी है। डॉक्टर राजन प्रसाद ने कहा था, मालूम है, राष्ट्रपति कुर्ता धोती पहने देहात जैसे आदमी लगे, ट्रेन में चले आए थे लड़के, कॉलेज के स्टूडेंट बेचारे वोटिंग करने लगे वैसे है, सो चेकर आ गए, टिकट चेकर, सो उसने अब बच उन लड़कों पर टिकट विकट कहा, उन्होंने कहा छोड़ो जल्दी। अब वे शांत बैठे रहे, जब स्टेशन आया और भीड़ खड़ी और माला लिए, राष्ट्रपति जिंदाबाद, राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, दौड़ा कर, अब लड़कन की सिटी गुम, जी का हम कौन की मजाक करते रहे, कौन की वोटिंग करते रहे, पांव पकड़े साथ क्षमा करो। बोले बेटे कोई बात नहीं है, ये उम्र है, लेकिन ध्यान रखना सीखने समझने की भी यही उम्र है, सीखने समझने की भी यही उम्र है। हमने तो पढ़ी है ये बातें खाली, अबे नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, इन्हें फलानी चीज खवा दें, अरे अबे नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, इन्हें जो बातें सिखा दे, कैसे सवेरे से उठ के क्या करें, कैसे बोलें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे सोचें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे साफ सुथरे रहें, ये भी अभी जेव सिखाओ, ये नहीं सिखाओगे तो कैसे करोगे। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठता है शिक्षिता। तो भूख सहन नहीं होती, क्यों, तत्व ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभाव, वो सच्चा जब तत्व ज्ञान प्रकट होगा तुम्हें, ये समझ लो, भूखे रह जाओगे दिन भर, लेकिन अयोग्य भोजन नहीं करोगे, अवक्ष भोजन नहीं करोगे। आज तो दिन भर भूखे रहे, काय बाजार कहां गो, बाजार को थोड़ी खा ली, दिन भर भूखे रह लिए, नहीं पानी मिल पाया कोई पानी तो प्यासे रह गए, लेकिन चाय का उनको पानी पी ले, चाय कैसो पानी जैसो नहीं पी पाए। मुनराज में क्या लिखा, जो नहीं बने योग्य भिक्षा बने तो महंत मन खेद ना आवे। तो क्षुधा सहन नहीं होती, क्यों, तत्व ज्ञान का अभ्यास।
सहन नहीं होती ये कहने से काम नहीं चलेगा। सहन कैसे हो उस उपाय को क्यों भाई विचार करो। सहन नहीं होती ये कहने से काम चलेगा, हम पे सहन नहीं होती। अरे सहन कैसे हो इस बात को सोचो, तम उपायम विचिंतई। तो उसका उपाय क्या हुआ? सच्चा तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान होने के बाद भी निरंतर उसका अभ्यास, निरंतर उसका अभ्यास। और अभ्यास कौन सा? पूजा में से बोलना है, ज्ञानाभ्यास करे। मंदिर में नहीं खाली घंटा दो घंटा नहीं, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महातम नाही। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि क्रोध महातम नाही। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मान नहीं उपजाई। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि छल प्रपंच नहीं आए। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि लोभ नहीं उपजाए। नवमे अधिकार में पढ़ लेना टूटो मजबूता। सम्यक दर्शन होने के बाद भी सम्यक चारित्र की उत्पत्ति के लिए, सम्यक चारित्र की वृद्धि के लिए, सम्यक चारित्र की पूर्णता के लिए बुद्धिपूर्वक यही उपाय है कि तत्व विचार आदि में उपयोग लगा। सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो तत्व निर्णय और तत्व विचार आदि ही है, दूसरा बुद्धिपूर्वक का कोई काम। हम ये कह रहे हैं टूटम जी ने विचार विचार शब्द लिखा हर जगह, खाली पठन पाठन नहीं लिखा, पढ़ना सुनना पढ़ना सुनना। और लोगों को ऐसा लगा इतना पढ़ते हैं इतना सुनते हैं इतना करते हैं और तो भी कम है। अरे जी लिखा कहाँ है? इतना पढ़ने से कल्याण हो जाए, इतना सुनने से कल्याण, विचारना कितना करते जी बता। उसका विचार कितना करते ये तो सोचो। बहुत लोग मिलते हैं अब इतना पढ़ते हैं इतना समझते हैं, अरे तुम समझते हो यही तो भूल है तुम्हारी, पढ़ा लिखा और छो समय सो समझ गए। और तुम अपने को हमेशा ज्यादा समझते जी समझते जी तो भैया भैया कल से कम खाइयो, हमें खान नहीं थे का दुश्मनी है हमारा खा रहेगा, हमें खाने नहीं दी। अरे तुम्हें खाने नहीं देते इसलिए नहीं खाने देते, तुम्हारी पाचन शक्ति नहीं है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हें बुखार की गांठें पड़ रही हैं, तुम्हें शरीर में दर्द हो रहा है, तुम्हें होश है कुछ, हमें खाने नहीं दे। मरे हम सब समझते पक्षपात होता है तमाम बात। अब उल्टा समझने को समझ माने तो हम क्या करें बताओ? ये हम लौकिक जीवन के दृष्टांत दे रहे केवल, क्यों हमारे पास फिल्मों के दृष्टांत नहीं अखबारों के नहीं, हम क्या करें? हमारे ये तो दृष्टांत है और वो सिद्धांत है भीतर का, समझ लेना। भूख भी सहन होगी और ऐसी सहन होगी छह छह महीने अगर तुम्हें आहार चर्या के लिए निकलो और आहार नहीं मिले तो भी तुम्हारे मन में किंचित खेद नहीं आएगा। ये सब देव जैसी दशा तुम्हारी भी हो जाए कैसे बने रहे, सहज बने बने रहे, तेजग माए सहज बैराग, कैसे सहन कर लो के सहज बने। हे लो लुप्त महामोह समस्तो मम जय है, बस एक ही लाइन एक ही छंद एक ही तो चरण बोलना है। हेलो लुप्त महाभ लीला मात्र में ज्ञानाभ्यास करो भाई, आपसे सब सहन होंगे, एक एक परिसर पर घटाना आप, सर्दी सहन नहीं होती,
कपड़ा ले लो, कपड़ा बनवा ले, ये कपड़ा पहनो तो इतनी ठंड है। हम ये नहीं कह रहे कपड़े मत पहनो, निचली भूमिका में, और ये नहीं कह रहे, और हमारे कहने से कब मानोगे हैं? अभी तो कोई चर्चा थी हमने, बेटे देखो जिनवाणी में कुछ भी लिखाओ, उपदेशक कुछ भी कहें, गुरु कुछ भी कहें, लेकिन व्यक्ति करेगा वही जो उसकी समझ में आया। इसलिए सबसे पहले समझ पर जोर है। हम कहें ये अध्रुव हैं, हे हैं, कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी समझ में आएगी ये अध्रुव हैं, हे हैं, तब तुम छोड़ने का भाव बना पाओगे। है तुम्हारी गलती है, बहुत बड़ी गलती है ये तुम्हारी। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो तुम यही कहोगे हमें बीच में टोकते हैं, हमें सबके सामने टोकते हैं, हम ही से काय को कहते हैं। जब तुम्हारी समझ में आएगी हमारी गलती है, तब तुम छोड़ पाओगे, उसके बिना नहीं छोड़ पाओ। सुनो, तुम आत्मा हो, तुम्हारी समझ में आएगी तब तुम इसलिए पंडित जी ने थी दौल समझ सुन चेत सयाने, अपनी समझ से अपना कल्याण होगा। समझ में आया ना? ध्यान रखना विपरीत समझ को, और ज्यादा समझ की जरूरत नहीं है। कोई दृष्टांत याद है बस इतना ही कह पाएंगे, अब फिर आगे फिर देखना। हाँ बोलो, कोई दृष्टांत याद है? पेट भरने के लिए हाँ लोकम की कहावत बता दो। लोक की कहावत तो बूढ़े लोग बताएंगे, तन की भूख कणा, मन की भूख मणा, चार रोटी चार हाथ जमीन चार कपड़ा चाहिए शरीर की बाहर की व्यवस्था करो, बाद बाकी तो पागलपन है और कुछ नहीं। और नहीं तो जिन पे 20 जोड़ी है रखे हैं, बेकह जोड़ी कितने पहन रहे बताओ, क्या पहने? अरे चार का मतलब जीते हैं बस। जिनके धन 6 मकान है बेकह में रह रहे, सुखी होने के लिए ज्यादा ज्यादा हम पे है नहीं, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग कह क्या कहें हमारी ज्यादा बुद्धि है नहीं, हमने ज्यादा बुद्धि वाले तो करू नहीं सकते। ज्यादा बुद्धि नहीं है तो तुम कब तो उठोगे? ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो ये दख है इसमें, इस बात में तुम्हारी में छल की बू आ रही है। तुम कह रहे हो ज्यादा बुद्धि नहीं है और समझते हो अपने को ज्यादा बुद्धिमान। ज्यादा बुद्धि की तो जरूरत ही नहीं है इस मार्ग में, तीन इंचों से कम बुद्धि तो है नहीं, क्यों कर तकलीफ में उठा के? ज्यादा नहीं है तो बांटते क्यों फिर रहे हो जो बताओ दुनिया के ठेका क्यों लगा? दुनिया को समझा फिर रहे, ज्यादा बुद्धि नहीं है अपन तो अपन लोगों ने चर्चा करते भैया, दुनिया की बात दुनिया जाने बताओ दुनिया को समझाए भी कुछ? तुम जे धंधो कर ले, तुम जे दवाई खा ले, तुम फलाने को दिखाया तुम वहां चले आओ, तुम फलाने देवता पे चले आओ, तुम फलानो मंत्र जपो, तुम फलानो अनुष्ठान करो, हमें ज्यादा बुद्धि है नहीं। ज्यादा बुद्धि नहीं है तो ये सलाह कैसे दे रहे हो? तुम कमजोर हो रहे, न बादाम खाओ कर, न काजू खाओ कर, न फलानो खाओ कर, न किसमिस खाओ कर, कहा भैया ज्यादा बुद्धि है नहीं हमें तो ये तुम्हें ज्यादा बुद्धि है समझ रहे तभी तो ये बातें चल रही है, और नहीं तो पागल पना ये छोड़ो, विचार करो रूखी रोटी खाने वाले स्वस्थ कैसे हैं? उस दिन तुम्हारे यहां एक बच्चे ने पिता को फोन किया, नहीं बादाम भेज दे, इलायची भेज दे, किशमिश भेज दे, पता नहीं खाए है तो हमसे कहा वो बच्चे उनका फोन आया होगा इनके पास कि कहे वो बच्चे ने तो क्यों बेटा काय को खाए भी के लिए अच्छा ठीक कितने कितने मंगाए अब जो कहा जाना बच्चे ही तो है मतलब उनको ये लगता है अरे भाई अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है ना
तो जो तुम्हारे जो तुम्हें मिल जाए बड़े प्रेम से और संतोष से भोजन करो, रूखी रोटी में से। 20 साल पहले हमने डॉक्टर से पूछा, हमने डॉक्टर साहब घी नहीं खाए तो कहे अजपेरा घी मुश्किल से मिल पाता, परेशानी होती है। हमें तो नहीं परेशानी भाई, कहूं जिंदगी में है, हमें चाहे तो आज रोज पूरी खाए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें खाने नहीं है ना, है वो दर्पण गंदा होता। हम ये कह रहे हैं कि हमने जी घी नहीं खाया तो बोले चर्चा होती रही बुआ को, अंत में बोले नहीं खा कोई बात नहीं, हर चीज में चिकनाई होती है, गेहूं के आटा में चिकना है, कितने अंश में आते हैं उन्हीं में से चिकनाई खींचने लगे, कोई चिंता मत करो, घी नहीं खा, दूध नहीं पियो, कोई चिंता नहीं, फल नहीं खाओ, अनेकों जीव ऐसे फल नहीं खाते, बिल्कुल एक फल, अनेकों को दूध नहीं है, घी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं कि नहीं और स्वस्थ है, बिल्कुल ये दिमाग निकाल दो, आत्मा इतना महातत्व है कि सबके बिना उसका चलता है, तत्व ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं चलेगा, और तत्व ज्ञान के बिना तत्व ज्ञान होगा तो सबके बिना चलेगा, हम पे पैसा नहीं, जरूरत ही नहीं पैसा, पैसे ही जरूरत का है। अब कोई बात ही नहीं कर तो कोई चर्चा ही नहीं है, आपके नाम हम जमा करते हैं कभी 4-6 लाख रुपया, हमें क्या करेंगे, हमें तो जरूरी खवाए बात खवाएगी शुद्ध नहीं खवाओ, हमें करने का 10-5 लाख रुपया नाम गिन पाए, नाम धर पाए, ना हमें कागज बैंक जाने पड़े, फिर दस्तखत करने पड़े, फिर निकालने पड़े, फिर उनको हिसाब लगाने पड़े, फिर हमारे पीछे लगेंगे कुछ देवदान पर का बोलने पागलपन में पड़े। अरे हमको करना क्या, बोलो आहार औषधि शास्त्र है, 4 दान क्यों लिखे, एक साधकों को जीने की चीज की जरूरत पड़ दी, 2 रोटी तो शुद्ध खवा नहीं पाओ, और 5 लाख रुपये जमा करते 10 लाख जमा ताकि कहा हो जाए, बस रुपये ना खाएंगे का, सोचो समझो विचार करो हैं? तुम ये कहते हो हमारी ज्यादा बुद्धि नहीं है, जब तुम्हें ये भी मान से कहते हो, जिस दिन लग जाएगी हमारी बुद्धि नहीं है ज्यादा, बुद्धि को केवल विषय को सीमित कर दोगे आप, ध्यान रखना, कहा गई विषय को सीमित कर दोगे आप, इधर उधर का सोचना समझना, इधर उधर की बातें, इधर उधर की बंद हो जाए। जिस बच्चे की परीक्षा का केवल 2 दिन रह गए, उसके पास आकर के बैठे कोई बातें कर भी करे, परसों परीक्षा, समय कम है, जिसको समय कम लगता है वो समय बर्बाद नहीं करता, जिसको बुद्धि कम लगती है वो बुद्धि बर्बाद नहीं करता, विचार करो, तुम अपनी बुद्धि बर्बाद कर रहे हो जाने कितने विकल्पों में उलझे उलझे, जिनका कोई और छोर नहीं है और कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने को धर्म धर्मात्मा से धर्मात्मनों से दूर करने वाली बातें हैं, और उनमें हम अपनी बुद्धि को बर्बाद करते हैं, और कहते हैं हमें बुद्धि कम है, बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ओम नमः।